उदयनिधि बयान को नहीं तेजुची विवाद कहिथिले सनातन धर्मर हेउ मूलपोच गत सेप्टेम्बर 2 तारीख में चेन्नई स्थित एक कार्यक्रम में जोगदे सनातन धर्म को नहीं विवादीय बयान देते उदयनिधि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया सह तुलना करने सहित केवल विरोध नुहे बरं यार मूलपोच करा उचित बोली कहिथिले उदयनिधि सनातन धर्म को नहीं विवादीय बयान दे एबे अड़ुआ पड़ी तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पुओ तथा राज्य क्रीडा और युव व्यापार मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता विरोधी बोली से कहिथिले सनातन கொசு டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்க கூடாது ஒழித்து கட்ட வேண்டும் அப்படிதான் இந்த சனாதனம் சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும் எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் சனாதனம்னா என்ன சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான் சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது சனாதனம் வேற ஒன்றும் கிடையாது சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன நிலையானது அதாவது மாற்ற முடியாதது யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம் हिंदु धर्म को नहीं एभली बयान परे एबे बीजेपी एहाको एक प्रमुख प्रसंग करिछि उदयनिधि बयान को केवल जनक बयान नुहे बरं डीएमके आभिमुख्य एवं सामग्रिक भावे इंडिया मेंटर मनोभाव बोली ग्रहण करिछि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी एहाको हिंदु धर्मर अपमान बोली कहिछि एवं उदयनिधि स्टालिन को तुरंत गिरफ करने को दावी करिछि बीजेपी जो कहा वो तो बड़ा सोच समझ के इन्होंने कहा है और वो जो इनका विचार है वो सबके सामने भी है और उसमें आपको समझना होगा कि सनातनी परंपराओं को नकारना आप सोचिए कि इस देश में 80% जो लोग हैं वो सनातनी हैं और वो सनातनी परंपराओं के पालक हैं और ऐसे में सनातन धर्म को इस तरीके की गाली देना तो ये तो इसी से पता चलता है कि अगर किसी अन्य धर्म के प्रति इन्होंने ये बात कही होती तो क्या लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन हो जाती यहाँ तो कानून व्यवस्था संभालना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता लेकिन 80% लोग न्यायप्रिय लोग हैं शांतिप्रिय लोग हैं इसलिए इस तरीके की भाषा का भी इन्होंने इस्तेमाल किया इनकी नफरत सनातनियों के प्रति जो है वो खुलकर सामने आ रही है ये कोई नई बात नहीं है 2019 के कई ऐसे आर्टिकल्स ऐसे विवादास्पद बयान और कई चीजें सामने हैं उसके बाद कई लोगों ने इस तरीके की बेबयानी की और लिखा भी आप देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया जो इमाम विमाम हैं उन सबको तो ये तनख्वाहें देते हैं लेकिन जो पुजारी सनातन धर्म के पालक हैं मंदिरों में बैठे हैं उनको ये पैसा नहीं देते उनको कोई मानदंड नहीं मिलता जमीनों से लेके हर जगह पर इन उनकी जो चीजें हैं वो आप सबके सामने हैं तो ऐसे में सनातन के प्रति इस तरीके का भेदभाव रखना ये सब तो पहले से करते आए हैं जहां कर्म की बात है कर्म भाषा हर जगह इनका दिखता है लेकिन चुनाव शुरू आसपास होता है तो वो हनुमान चालीसा मंदिर जाना किसी दिन पे पीली साड़ी पहनना कहीं तिलक लगाना कहीं फूल पहनना ये सब चालू हो जाता है तो कम से कम आज आपके माध्यम से मैं देश के सभी नागरिकों को और सनातन धर्मियों को विनम्रता से एक आह्वान करना चाहती हूँ कि इनकी ये चीजें याद रखिएगा और जो उस तरह उस समय पर ये नाटक नौटंकी चलता है उससे जरा बच के रहिएगा गोटेपटे उदयनिधि बयान को नहीं तुम्लकांड तो अन्यपटे समर्थन जनाई कर्णाटक गृहमंत्री जी परमेश्वर से मध्य निजर एक बयान रे हिंदू धर्मर सृष्टि उपरे प्रश्न उठाई जी परमेश्वर कहिछंती विश्व इतिहास रे अनेक धर्मर सृष्टि होईछि
बौद्ध और जैन धर्मर सृष्टि एठारे होईछि। इस्लाम और ईसाई धर्म बाहर आम देश को आसी हिंदू धर्मर सृष्टि केबे हेला एहा एबे भी एक प्रश्न होई रहिछि। मंत्री पदरे रही उदयनिधि स्टालिन को धर्म और जाति उपरे बयान इंडिया मेंट को टार्गेट करने को बीजेपी को एक नुआ प्रसंग देछि। एने आगु को राजनीति बढ़िबो सिना कमिबो नाही बोली अनुमान करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।